हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, जैसा मैं हर बार आप लोग के लिए करता हूँ। तो जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि कल जियो और फेसबुक के बीच में एक डील हुई है, और इस डील के हिसाब से 43,574 करोड़ रुपीज़ फेसबुक जियो में इन्वेस्ट करेगा। ये इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम FDI कहते हैं। पर मैं आज के वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, ये इंटरनेट पे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ये सिंपल इन्फॉर्मेशन देंगे कि फेसबुक ने जियो में इतना रुपए इन्वेस्ट किया है। बट मैं आपके लिए कुछ हमेशा नया लेके आता हूँ, और आज भी मैं आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इस डील से कितना बेनिफिट हुआ है, पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस डील में कौन कौन सी कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं, ताकि आप आगे इसे अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहला है फेसबुक इंक। फेसबुक इंक एक USA की कंपनी है जो फेसबुक को ऑपरेट करती है। इसके प्रमोटर है मार्क जकरबर्ग, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होगी। इसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है और इसके प्रमोटर हैं मुकेश अंबानी, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ये दो कंपनीज़ मेनली इन्वॉल्व हैं। इसके बाद है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या होता है कि रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स के पूरे 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। मतलब जियो प्लेटफॉर्म के पूरे 100% शेयर्स रिलायंस के पास है, तो जियो प्लेटफॉर्म को होली ओन्ड सब्सिडरी बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ये तीसरी कंपनी है। इसके बाद एक कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का। मतलब रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के 100% शेयर्स हो गए जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के पास। तो अल्टीमेटली चेन एक ऐसा बनता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास 100% शेयर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के, और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के पास 100% शेयर्स हैं जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। तो अल्टीमेटली जो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, उसका होल्डिंग कंपनी जो हो जाती है वो हो जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ये एक चेन है, ये आपको समझना ज़रूरी है आगे इस वीडियो को समझने के लिए। तो अब हम वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि है कि इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कितना बेनिफिट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जियो प्लेटफॉर्म के 100% शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, इस 100% शेयर्स में से 10% फेसबुक को दे दिया। और फेसबुक को कितने में दिया, 43,574 करोड़ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डील से डायरेक्टली कितना प्रॉफिट हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। जियो प्लेटफॉर्म्स के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 16,996 करोड़, एक शेयर 10 रुपये का है, तो इससे पेड अप कैपिटल हो जाती है 1,69,960 करोड़। ये इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें से 10% रिलायंस ने फेसबुक को बेच दिया। तो अगर आप 1,69,960 का 10% निकालते हैं, तो ये हो जाता है 16,996 करोड़। तो 16,996 करोड़ रुपए के शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फेसबुक को बेच दिए 43,574 करोड़ में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जियो प्लेटफॉर्म के 10% शेयर सेल करने से हुआ 26,578 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अप्रॉक्सीमेटली 26,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ये था सिंपल कैलकुलेशन कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कितना बेनिफिट हुआ डायरेक्टली इस डील से। आगे मैं रिलायंस फेसबुक की डील पे और भी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कुछ नई बात बताऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वो वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।